उसी सिस्टम का हिस्सा हैं जिसमें यह अन्याय हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को, सभी जातियों को, सवर्णों को भी कि भाई ऐसा मत करो, कुछ तो देखो कितना अत्याचार है इन लोगों के साथ, और हमारे मुद्दे पे हमारी मदद करें। खास तौर से जो ओबीसी के नौजवान हैं उनका मैं आह्वान करता हूँ कि इकट्ठा होके और इस लड़ाई को निर्णायक तौर तक ले जाना चाहिए। अब हमारी हालांकि उम्र बहुत हो गई है, पर मैं भी जिस स्तर पे लड़ाई होगी उसमें शिरकत करूंगा और आगे आगे रहूंगा। और मैं आश्वस्त हूँ ये मुद्दा इतना, इस पर कोई बहस कर ले आके तो सब ये कहेंगे भाई बहुत अन्याय है। तो ये मुद्दा ऐसा है कि इसे उठाओगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं उठाओगे तो नहीं होंगे। तो यहाँ तो जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ भी रोटी नहीं देती है, तो शोर मचाना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तब ये हिस्सेदारी मिलेगी। अगर हमने नहीं ली तो आने वाली जनरेशंस को पता नहीं कब मिलेगी। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि वक्त रहते सरकार को इस पे चिंतन करना चाहिए, एक ये जातिगत जनगणना शुरू करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी ताकि उसके नतीजे आ जाएं, सबको पता चल जाए कि समाज में हम कितने हैं और हमारी हिस्सेदारी कितनी है। उससे समाज भी सचेतन होगा, जीवंत होगा, समाज में भी जान आएगी। तो इसको जल्दी से जल्दी कराना चाहिए।